हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत रेलवे में संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे कुछ भर्ती निकल के आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं पहले ही आपको यहाँ पे आगाह कर दे रहा हूँ कि अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ALP या फिर रेलवे सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जो यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हैं, तैयारी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिनके घर की स्थिति सही नहीं है, उन साथियों के लिए ये वीडियो है। और खासकर हम उन साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे और यहां पे रिकमेंडेड भी करेंगे कि इस तरह का जो यहां पे जॉब निकल के आता है उनको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका जो यहां पे पढ़ने के लिए आपके पास जो सुविधा नहीं है, एक साल काम करने के बाद आपके पास यहां पे कम से कम 2.5 लाख के आसपास जो रकम है आप उसे इकट्ठा कर सकते हो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ITI के जो आईटी सेक्टर का जो ट्रेड है ना, सिर्फ उनको मौका मिलेगा। जैसे ICTSM हो गया, कोपा वाले बच्चे हो गए, आप लोगों को पता है कि कोपा वाला का जल्दी कोई भर्ती नहीं आता है, तो वैसे बच्चे के लिए ये जो पोस्ट है यहाँ पे निकाली गई है, कोई परीक्षा नहीं होगा, सीधा भर्ती होगा और 25,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। जॉब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, एक साल का ही जॉब है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये अप्रेंटिसशिप नहीं है, अप्रेंटिसशिप एक अलग चीज होती है और ये आपका जो संविदा आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती निकाला गया है ये अलग चीज होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे रेलवे में यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट आता है, जैसे ALP का आया, टेक्नीशियन का आया, अभी RPF का आया हुआ है, आने वाला टाइम में JEE का आएगा, उसके बाद NTPC का, ग्रुप डी का, वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कुछ भर्तियां निकाली जाती है। और सबसे पहले हम आपको ये बोल देते हैं कि अगर आप दिल्ली के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप जाइएगा, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि एलिजिबल नहीं है, परंतु अदर स्टेट वाले जाएंगे तो आने जाने में आप लोगों को पता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है आप लोगों का। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा आप लोगों को कि जो दिल्ली के नियरेस्ट यहाँ पे स्टेट वाले हैं या फिर दिल्ली वाले हैं, इसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या पूरा बताया गया, सारा कुछ यहाँ पे समझ लीजिए। ये भर्ती आपका रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल दिल्ली के तरफ से जारी किया गया है, 9/4/2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। आउटसोर्सिंग बेस पे आपका भर्ती होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा पोस्ट आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आपका एक पोस्ट है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला कि जो दिल्ली के आसपास वाले स्टेट के बच्चे हैं वही सिर्फ जाइएगा, बाकी दूर दराज से बच्चे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि एक ही पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार विनिष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से भरने हेतु नीचे उल्लेखित तारीख समय व स्थान पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो इसमें आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई भी लिखित वगैरह एग्जाम आपका नहीं होगा, ना आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत है, ना आपसे कोई फॉर्म का चार्जेस लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ 13/15 माल रोड दिल्ली, और आपका दिनांक जो है 2/5/2024 को आपको रिपोर्ट करना है आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के आधार पे आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उम्मीदवार इंटरव्यू के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की विस्तृत नियम एवं शर्तें की जानकारी के लिए RCT की, देखिए RCT का जो रेलवे का वेबसाइट है वहां से जाके आप पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है मन में तो इस नंबर पर सहायक रजिस्टर्ड का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, उसको ध्यान से समझिए। पहला, उम्मीदवार को स्नातक होने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर IT का मूलभूत ज्ञान अनुप्रयोगी के लिए होना चाहिए। तो यहां पे IT है, IT सेक्टर से, तो आपका ITI होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका ITI के बाद आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल पात्र होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, वेतन आउटसोर्सिंग स्किल स्नातक कर्मी को 25,000 प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर को
कुल वेतन का भुगतान उसकी रेल दावा अधिकरण में वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपया प्रति मंथ यहाँ पे सैलरी जो है मिलने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के सभी कार्य दिवस पर कार्य करने के समय 8 घंटा आपको ड्यूटी होगा, जो आपका सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका वर्किंग रहेगा, ठीक है। जिसमें आपका भोजन है, मतलब यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा, 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का, ठीक है। जैसा कि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को स्पष्ट कराया जाता है कि किसी भी गोपनीय जानकारी का प्रसार करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी अथवा अभियोग भी चलाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को अभी उतना आपको ध्यान नहीं देना है, जो बेसिक पॉइंट है वो समझिए। कार्य की अवधि 11 महीने होगी, जो कि एक विराम के बाद पुनः स्थापित होगी। देखिए, अभी तो आपका 11 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, शुरू 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाएगा या फिर नहीं बढ़ाएगा। मतलब रेलवे चाहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे इंक्रीज भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। परंतु इनिशियली में, शुरू में आप 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करोगे। संविदा का कार्य 1 माह पहले किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस जारी करने पर समाप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत नियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर को रेल दावा अधिकरण या रेलवे में नियमित नियुक्ति का प्रावधान नहीं होगा। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हो तो ऐसा मत सोचिएगा कि ग्रुप डी में 20% का कोटा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। इस बात का पहले ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होगा, जो आपका 11 महीने का रहने वाला है। रेलवे का मन करेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा, रेलवे का मन नहीं करेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीदवार द्वारा की गई कार्यालय के किसी भी उपकरण या संपत्ति को नुकसान अथवा खो जाने की स्थिति में भरपाई उसके मानसिक दे से ही किया जाएगा। अगर आपने वहां पे कोई छेड़छाड़ किया सिस्टम वगैरह से और वो खराब हो गया या फिर गुम हो गया, तो उसका भरपाई आपको खुद करना पड़ेगा। संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु प्रार्थना पत्र का परफॉर्मा, देखिए ये परफॉर्मा जो दिया गया है, इसी परफॉर्मा को प्रिंट कराकर आपको वहां पे लेकर जाना है, जो हमने बताया कि 2 तारीख में 2 मई के आपका इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेना है और बाकी जो जो डिटेल आपका यहाँ पे मांगा गया वो सारा डिटेल आपको फिल करके 2 तारीख को तय समय सीमा के अंतर्गत आपको जो इस एड्रेस पे चले जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है? रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ 13/15 माल रोड दिल्ली 2 मई 2024 को रिपोर्ट कर देना सुबह 10 बजे तक, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि ये नौकरी उन साथियों के लिए है जो यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके घर में यहाँ पे पढ़ाई को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जो पढ़ नहीं पा रहे, जो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे, उन सभी साथियों के लिए नौकरी ठीक है। बाकी जो रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं, वो इस वीडियो को पहले मैं बता दिया कि स्किप कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके लायक नहीं है। किसके लायक था, मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में ही जिक्र कर दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।